हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जे जीडी एजुकेशन। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके वीडियो कैसी है। लेट्स स्टार्ट। इंसुलिन का प्रकार जिसे आईवी ड्रिप द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन ए रेगुलर इंसुलिन, बी आइसोफेन इंसुलिन, सी एक्सपेंडेड इंसुलिन, डी टोटामाइन जे एन इंसुलिन। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए रेगुलर इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, निम्न ड्रग थ्रोम्बोलिटिक ड्रग का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकाइनेस, बी नाइट्रोग्लिसरीन, सी यूरोकाइनेस, डी एनोस्ट्रेप्टिस। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, सबसे सामान्य प्रकार की एपिसोटॉमी है, ऑप्शन ए मेडियोलैटरल, बी जे शेप्ड, सी मेडियन, डी लेटरल। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए मेडियोलैटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, ट्रांजियोस्टोमी के तुरंत पश्चात मरीज के देखभाल में प्राथमिकता लक्ष्य है, ऑप्शन ए कीपिंग एयरवे क्लीनर, बी हेल्प इन कम्युनिकेशन, सी प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शंस, डी हेल्प इन डेली एक्टिविटीज। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी हेल्प इन कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, क्रिप्स साइकिल कोशिका में कहाँ संपन्न होता है, ऑप्शन ए इन राइबोसोम, बी इन माइटोकॉन्ड्रिया, डी इन काइटोसोल, डी इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी इन माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक्चुअली इस क्वेश्चन कंप्लीट ना होने की वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, सैंपल कलेक्शन के पश्चात नर्स को निम्न सावधानी रखनी चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, ऑप्शन ए रैपिड प्रोसेसिंग आफ्टर सैंपल कलेक्शन, बी डू नॉट रेफ्रिजरेटर सैंपल, सी प्रिवेंट कंटेमिनेशन, डी ऑल एबव। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी ऑल एबव, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, शटरिंग नीडल्स के बारे में निम्न कथन सत्य है, ऑप्शन ए दे मे बी राउंड आर ट्रेंगुलर बॉडी, बी दे मे बी स्ट्रेट आर कर्व, सी दे कर्व मे बी 8x3x8, 5x8 ऑफ ए सर्कल, डी ऑल आर राइट। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी ऑल आर राइट, ऊपर के सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, ऑप्शन ए इन राइबोसोम, बी इन माइटोकॉन्ड्रिया, सी इन काइटोसोल, डी इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी इन काइटोसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन टेन, कॉटरी के प्रयोग निम्न के साथ वर्जित है, ऑप्शन ए CO2, बी इतर, सी हैलोथेन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, स्कल बोन्स की कुल संख्या होती है, ऑप्शन ए 30, बी 40, सी 22, डी 20। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी 22, स्कल बोन्स की कुल संख्या 22 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एपिग्लोटिस किस उपस्थि से निर्मित होता है, ऑप्शन नंबर ए फाइब्रोकार्टिलेज, बी यालिन कार्टिलेज, सी इलास्टिक कार्टिलेज, डी कोस्टल कार्टिलेज। ऑप्शन सी इलास्टिक कार्टिलेज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी ड्रग टेराटोग्निस नहीं है, ऑप्शन ए थ्रूसेमाइड, ऑप्शन बी लिथियम, सी साइटोटोक्सिस ड्रग्स, डी थैलिडोमाइन। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए थ्रूसेमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, लेफ्ट पैलेट सर्जरी को निम्न नेम से भी जाना जाता है, ऑप्शन ए पैलेटोप्लास्टी, बी चिलियोप्लास्टी, सी स्ट्रेफिलोर हॉफी, डी हर्नियोप्लास्टी।
ऑप्शन सी इज ट्रेफी लोर हैप्पी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मंद बुद्धि बच्चों में आईक्यू कितना होता है? ऑप्शन ए बिलो 100, बी बिलो 70, सी बिलो 110, डी बिलो 90। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी बिलो 70। मंद बुद्धि के बच्चों में 70 बिलो आईक्यू होता है। ऑप्शन नंबर 16, डी एंड सी ऑपरेशन से पूर्व यूटेराइन साउंड का प्रयोग किया जाता है क्यों? राइट आंसर इज द टू डिटेक्ट यूटेराइन लेंथ, बी टू डिटेक्ट गैसेशनल एज, सी टू डिटेक्ट कर्वाइसल डिलेशन, डी टू डिटेक्ट एमिनोटिफोड। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए टू डिटेक्ट यूटेराइन लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, औषधि जो गठिया रोग के इलाज के लिए ज़्यादा प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए डेक्सामेथासोन, बी मेथोट्रेक्सेट, सी कोलचिसिन, डी एस्पायरिन। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी कोलचिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कौन से दो तंत्र शरीर में एसिड बेस बैलेंस बनाए रखते हैं? ऑप्शन ए हार्ट एंड लंग्स, बी CNS एंड लाइम्फेटिक सिस्टम, सी लंग्स एंड किडनी, डी स्किन एंड लंग्स। ऑप्शन सी लंग्स एंड किडनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 का क्वेश्चन पूरा न होने की वजह से ये आपको नेक्स्ट वीडियो में हम दे देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्न में से कौन से विटामिन के आईशोषण हेतु इंट्रिंसिक फैक्टर का होना आवश्यक है? ऑप्शन ए विटामिन B12, बी विटामिन BY, सी विटामिन BA, डी विटामिन B2। राइट आंसर ऑप्शन ए विटामिन B12। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आई होगी। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।